चीन ने धोखा देकर आर्थिक विश्व विजय हासिल कर ली है। उसने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई और तब तक अपने रेफ्रिजरेटर में रखी जब तक पूरे विश्व के आर्थिक अर्थव्यवस्था को पाताल में नहीं उतार दिया। चीन पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का हब बन गया था। चीन ने अपने वुहान शहर में इस वायरस को छोड़ा और जबरदस्त मौतों के कारण भागते इन्वेस्टर्स के शेयरों को कौड़ी के भाव खरीद लिया। विदेशी निवेशक और उद्यमी अपनी पूंजी छोड़कर भाग गए। चीन ने अपने द्वारा पहले से बनाई और छुपा कर रखी गई वैक्सीन को बाहर निकाल लिया और एक ही दिन में चीन में हो रही मौतों पर अंकुश लगा दिया। इस युद्ध में चीन ने अपने कुछ लोग खोए पर दुनिया की दौलत को लूट लिया। आज वहां एक भी मौत नहीं हुई है और ना ही एक भी मरीज की संख्या बढ़ी। आज ये वायरस पूरी दुनिया में काल की तरह चक्कर लगा रहा है। कमाल ये भी देखिए कि उन सभी देशों और शहरों की कमर टूट गई है जहां पर चीनी नागरिक खर्च करते थे। आज पूरा विश्व हर रोज अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देख रहा है। पर 17 मार्च से चीन की अर्थव्यवस्था दिनों दिन मजबूत हो रही है। ये एक आर्थिक युद्ध है जिसमें चीन जीत चुका है और विश्व कुदरत से युद्ध करते करते रोज अपने जान माल को गंवा रहा है। ये भारत के लोगों का इम्यून है कि वो हर संकट में कुशल योद्धा की तरह लड़ता है और जीत जाता है। हमारे देश के अधिकांश नागरिक इकोनॉमी के आंकड़ों में नहीं फंसते, पत्थर में से पानी निकालने की कुव्वत रखते हैं। हम भारतीय बड़े से बड़े रोग को रोटी के टुकड़े में लपेट कर खाने और पचाने में माहिर हैं। हम सभी कुदरत के विरुद्ध युद्ध नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं। हम भारतीय मंदिरों के गुरुद्वारों से आवाज देकर बुलाते हैं ईश्वर को, रिझाते हैं। अतः वो ईश्वर हमारा अनिष्ट कर ही नहीं सकता। पर हर भारतीय को याद रखना चाहिए कि चीन और चीनी इस कुदरत के खलनायक हैं। इनसे हर प्रकार की दूरी बनाए रखें। वुहान से शंघाई 839 किलोमीटर, वुहान से बीजिंग 1152 किलोमीटर, वुहान से मिलान 15,000 किलोमीटर, वुहान से न्यूयॉर्क 15,000 किलोमीटर। पास के बीजिंग और शंघाई में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इटली, ईरान, यूरोप देशों में लोगों की मृत्यु और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद। चीन के सभी व्यापारिक क्षेत्र सुरक्षित, कुछ तो गड़बड़ है। अमेरिका ऐसे ही चीन को दोष नहीं दे रहा। चीन से 10 बड़े सवाल। सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 अवश्य पढ़िएगा। नंबर 1, जहां पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है, वही चीन में वुहान के अलावा ये क्यों नहीं कहीं फैला? चीन की राजधानी आखिर इससे अछूती कैसे रह गई? नंबर 2, प्रारंभिक अवस्था में चीन ने पूरी दुनिया से इस वायरस के बारे में क्यों छुपाया? नंबर 3, कोरोना के प्रारंभिक सैंपल को नष्ट क्यों किया? नंबर 4, इसे सामने वाले डॉक्टर और पत्रकार को खामोश क्यों किया गया? पत्रकार को तो गायब ही कर दिया गया। नंबर 5, दुनिया के अन्य देशों ने जब सूचना साझा करने को कहा तो उसने सूचना साझा क्यों नहीं की, मना क्यों किया? नंबर 6, कोरोना मानव से मानव में फैलता है, इसे छुपाने के लिए WHO के कम्युनिस्ट निदेशक का उपयोग क्यों किया गया? WHO के निदेशक जनवरी में बीजिंग चीन में क्या कह रहे थे? प्लान फिक्सिंग कर रहे थे क्या? नंबर 7, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कोई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मानव से मानव में नहीं फैलता, ऐसा ट्वीट 11 जनवरी तक WHO करता रहा। क्यों? आज साबित हो गया कि कोरोना मानव से मानव में फैलता है, तो फिर WHO ने झूठ क्यों बोला? नंबर 8, वुहान से एक साथ 50 लाख लोगों को बिना मेडिकल जांच किए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्यों भेजा गया? नंबर 9, इटली में 6 फरवरी तक मामूली केसेस थे। एकाएक चीनी, हम चीनी हैं, वायरस नहीं, हमें गले लगाइए, प्ले कार्ड के साथ दुनिया के पर्यटन स्थल सिटी ऑफ लव के नाम से मशहूर इटली के लोगों को गले क्यों लगाने पहुंचे? नंबर 10, पूरी दुनिया चीन और WHO को संदेह की नजर से देख रही है और ताज्जुब देखिए, एक ही दिन चीन और WHO दोनों भारत की तारीफ में उतर आए, क्या ये महज संयोग है? नंबर 11, इसके अगले ही दिन भारत में चीन के राजदूत ट्वीट करके उम्मीद करते हैं कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी पैरवी करे, आखिर क्यों? नेहरू की एक गलती का खामियाजा हम भुगत चुके हैं, ये मोदी सरकार है और उम्मीद है कि कम से कम ये गलती तो नहीं दोहराएगी। नंबर 12, सार्क से लेकर G20 तक की बैठक पीएम मोदी के कहने पर हो रही है, संकट के समय भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है। इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तब तक कोरोना से निपटने में असफल रहे हैं तो पीएम मोदी की पहल पर भारत इससे कहीं बेहतर तरीके से डील कर रहा है।
चीन इसी का फायदा उठाकर ये चाहता है कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके अछूतपन को दूर करे। अब ये नहीं होगा, चीन संदेह के घेरे में है और रहेगा। दुनिया पर हावी होने का तरीका, चीनी रणनीति। नंबर एक, सबसे पहले एक वायरस और उसकी दवा बनाई। नंबर दो, वायरस फैलाया। नंबर तीन, अपनी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए रातों रात अस्पतालों का निर्माण करवा दिया। आखिरकार वे पहले से ही तैयार थे। परियोजनाओं के साथ साथ उपकरण का आदेश देना, श्रम, पानी और सीवरेज नेटवर्क को किराए पर लेना, पूर्ण निर्मित निर्माण सामग्री और प्रभावशाली मात्रा में स्टॉक, ये सब उस रणनीति का हिस्सा थे। नंबर चार, परिणाम स्वरूप दुनिया में वायरस के साथ साथ अराजकता फैलने लगी, खासकर यूरोप में। नंबर पांच, दर्जन देशों की अर्थव्यवस्था त्वरित रूप से प्रभावित हुई। नंबर छह, अन्य देशों के कारखानों में उत्पादन लाइनें बंद हो गई। नंबर सात, फलस्वरूप शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। नंबर आठ, चीन ने अपने देश में महामारी को जल्दी से नियंत्रित कर लिया, रातों रात वुहान से कोरोना के नए मरीज मिलना बंद हो गए। ये कैसे संभव है जबकि इटली जैसा देश इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है? आखिरकार चीन पहले से ही तैयार था। नंबर नौ, परिणाम स्वरूप उन वस्तुओं की कीमत कम हो गई जिनसे वो बड़े पैमाने पर तेल आदि खरीदता था। नंबर दस, फिर चीन तुरंत ही उत्पादन करने के लिए वापस जुट गया, जबकि दुनिया एक ठहराव पर है। जहां एक ओर दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं चीन ने अपनी फैक्ट्रीज में काम शुरू करवा दिया है। चीन उन चीजों को खरीदने लगा जिनकी कीमत में भारी गिरावट हो गई और उन चीजों को बेचने लगा जिनकी कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब यदि विश्वास नहीं हो रहा हो तो 1999 में चीनी उपनिवेशों कियाओ लियांग और वांग जियांग सुई के द्वारा लिखी गई पुस्तक अप्रतिबंधित युद्ध, अमेरिका को नष्ट करने के लिए चीन का मास्टर प्लान को पढ़ लीजिएगा। ये सब तथ्य वहां मौजूद है। जरा इस बारे में सोचिए, कैसे रूस और उत्तर कोरिया कोविड-19 यानी कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है? क्योंकि वह चीन के कट्टर सहयोगी है। इन दो देशों में एक भी मामले की सूचना नहीं मिली है और दूसरी ओर दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन और एशिया गंभीर रूप से प्रभावित है क्योंकि ये सब चीन के विरोधी हैं। कैसे हुआ वुहान अचानक घातक वायरस से मुक्त? चीन ये कहेगा कि उनके प्रारंभिक उपाय बहुत कठोर थे और वुहान को अन्य क्षेत्रों में फैलाने के लिए बंद यानी लॉकडाउन कर दिया गया। परंतु ये जवाब बड़ा मजाकिया है। ऐसा होता तो बाकी देशों में भी ये इतना नहीं फैलता और एक शहर तक ही सीमित रह जाता। ये 100% सत्य है कि ये वायरस के एंटीडोट का उपयोग कर रहे हैं। बीजिंग में कोई क्यों नहीं मारा गया, केवल वुहान ही क्यों? दिलचस्प विचार ये। खैर, वुहान अब व्यापार के लिए खुल गया है। अमेरिका और उपर्युक्त सभी देश आर्थिक रूप से तबाह है। जल्द ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन की योजना के अनुसार ढह जाएगी। चीन जानता है कि वो अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता क्योंकि वर्तमान में इस हिसाब से अमेरिका विश्व में सबसे ताकतवर देश है। तो यह है चीन का विश्व विजयी फॉर्मूला। वायरस का उपयोग करें, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को पंगु बना दें। निश्चय ही नैन्सी पेलोसी को इसमें एक सहायक बनाया गया। कारण था ट्रंप को टक्कर देने के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा ये बताते रहे हैं कि कैसे ग्रेट अमेरिकन अर्थव्यवस्था सभी मोर्चों में सुधार कर रही है। अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की उनकी दृष्टि को नष्ट करने का एकमात्र तरीका आर्थिक तबाही था। नैन्सी पेलोसी ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लाने में असमर्थ थी, इसलिए चीन के साथ मिलकर एक वायरस जारी करके ट्रंप को नष्ट करने का यह तरीका उन्होंने अपनाया। वुहान तो महामारी का सिर्फ एक और प्रदर्शन था, अब यह वायरस महामारी को चरम पर ले जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए बस एक साधारण RM1 फेस मास्क पहनकर पहुंचे। राष्ट्रपति के रूप में तो उन्हें सिर से पैर तक ढका होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वायरस के किसी भी तरह के नुकसान का विरोध करने के लिए उन्हें पहले ही इंजेक्शन लगाया गया है। इसका मतलब ये कि वायरस के निकलने से पहले ही उसका इलाज चल रहा था। अब यदि आप तर्क दें कि बिल गेट्स ने पहले ही 2015 में एक वायरस फैलने की भविष्यवाणी कर दी थी, इसलिए चीनी एजेंडा सच नहीं हो सकता, तो उत्तर है हाँ, बिल गेट्स ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो भविष्यवाणी एक वास्तविक वायरस के प्रकोप पर आधारित थी, ना कि मानव जनित। अब चीन ये भी बता रहा है कि वायरस का पहले से ही अनुमान था ताकि इसका एजेंडा इस भविष्यवाणी से मेल खा सके और सब कुछ प्राकृतिक या स्वतः प्रक्रिया लगे। अभी भी यदि ये प्रमाणिक तथ्य आपको बनावटी लगता है तो आगे स्वयं देखना। चीन का अगला कदम गिरती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था के कगार का सामना करने वाले देशों से अब स्टॉक खरीद के विश्व अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में करना होगा। बाद में चीन ये घोषणा करेगा कि उनके मेडिकल शोधकर्ताओं ने वायरस को नष्ट करने का इलाज ढूंढ लिया है। अब चीन के पास अपनी सेनाओं के शस्त्रागारों में अन्य देशों के स्टॉक है और ये देश बहुत जल्द ही मजबूरी में अपने मालिक के गुलाम होंगे। और हाँ, एक बात और, जिस चीनी डॉक्टर ने इस वायरस का खुलासा किया,
वो भी चीनी अधिकारियों द्वारा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। विचारणीय है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में अगर सच्चाई दिखती है तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।